तो नमस्ते और आप सत श्री अकाल दोस्तों, शो प्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल में हमारे सभी दर्शकों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एशिया कप 2023 की नौवां मुकाबले के बारे में जो कि खेला जाने वाला है इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच 10 सितंबर को इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर को 3 बजे आर प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका पे। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस सीजन की तीसरा मैच खेला गया था 2 सितंबर को पालेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर। वो मैच यार बारिश के कारण रद्द किया गया था। क्रिकेट के इतिहास में इंडिया और पाकिस्तान जब भी आमने सामने भिड़े हैं पूरी दुनिया की नजर उस मैच पर टिकी रहती है। क्या रोहित शर्मा के 11 भूखे सर पाकिस्तान को चपेट में ले पाएंगे या फिर पाकिस्तान की टीम इस सीजन में जिस तरह प्रदर्शन करती हुई आई है तो उसी तरह टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखेगा। इस मैच को इन दोनों टीम में से कौन सी टीम बढ़त हासिल करता हुआ दिखेगा मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में ही बताने वाला हूं। अब हम प्री मैच एनालिसिस में बेहतर समीकरण के साथ बेहतर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ेंगे। जानेंगे पिच रिपोर्ट से लेकर दोनों टीम के हेड टू हेड प्लेइंग 11 और दोनों टीम का कंपैरिजन हम यहां पे करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले टॉस सेशन मैच विनर की एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की प्रिडिक्शन में हम आपको बताएंगे कौन सी टीम टॉस जीतेगा, कौन सी सेशन एस होगा, कौन सी सेशन नॉट होगा। ये सारा प्रिडिक्शन आपको हमारे टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। हमारे टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें तो आर प्रेमादासा स्टेडियम पर ये मैच खेला जाने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पिछला मैच खेला गया था पालेकल के मैदान पर। उस वाली मैदान पर यार बारिश का चांसेस ज्यादा रहती है। हाँ, लेकिन इस बार की मुकाबला पालेकल से हटा के प्रेमादासा के ट्रैक पर खेला जा रहा है। इस मैदान पर बारिश का चांसेस उससे कम रहती है। बाय द वे इस वाली मैदान की टोटल मैचेस के ऊपर नजर डाले तो इस ट्रैक पर ओडीआई के टोटल 129 मैचेस खेले गए जिसमें से 75 मैचेस यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के नाम रही है तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 54 मैचेस अपने नाम दर्ज की है। इस मैदान की एवरेज 243 रही है। यहाँ की हाईएस्ट स्कोर 375 पर 5 विकेट रही है टीम इंडिया के नाम और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 86 पर 10 विकेट रही है नेदरलैंड के नाम। अगर हम एक बार यहाँ की स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो बिलो स्कोर 200 से नीचे का स्कोर 21 बार बनी है। स्कोर बिटवीन 200 से लेकर 250 तक का स्कोर 51 बार बनी है। 250 से लेकर 299 तक का स्कोर 36 बार बनी है। यहाँ पे 300 से एबव स्कोर 21 बार बन चुकी है। ये पिच यार मीडियम स्कोरिंग वाला पिच है इसलिए मीडियम स्कोर यहाँ पे 51 बार बनी है। पिच की बिहेवियर में ये पिच गेंदबाजों को ज्यादा सपोर्ट करता है, खास करके स्पिन गेंदबाजों का यहाँ पे दबदबा हमें देखने को मिलती है। पिच गेंदबाज यहाँ पे 57 विकेट अपने नाम किए हैं और स्पिन गेंदबाज 97 विकेट अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो मैदान खाली गेंदबाजों को सपोर्ट करता है, बल्लेबाजी भी फास्ट इनिंग्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सभी कप्तान टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे, इसलिए दोस्तों ये जो पिच है डिफेंड फ्रेंडली पिच है। अब यार वीडियो में चलेंगे आगे और जानेंगे इन दोनों टीम की हेड टू हेड रिपोर्ट को। हेड टू हेड में इन दोनों टीम के बीच में टोटल 133 मैच में आमना सामना हुई है जिसमें से 5 मैच यार नो रिजल्ट वाली रही है और यार 55 मैचेस में टीम इंडिया बढ़त हासिल की है। बट इंडिया की कंपैरिजन में पाकिस्तान की टीम ज्यादा मैचेस में जीत हासिल किए हैं। टीम इंडिया 55 मैच जीते हैं तो पाकिस्तान की टीम 73 मैचेस में अपने नाम दर्ज किए हैं। हेड टू हेड की रिपोर्ट में पाकिस्तान का पगड़ा भारी दिख रही है। ये तो गए दोस्तों दोनों टीम के बीच में खेले गए टोटल मैचेस। लेकिन अगर हम एशिया कप की हेड टू हेड को देखें तो इन दोनों टीम के बीच में टोटल 13 बार आमना सामना हुई है जिसमें से टीम इंडिया ने 7 मैच में जीत हासिल किए हैं और पाकिस्तान की टीम 5 मैच में जीत हासिल किए हैं। कुछ भी दोस्तों एशिया कप में पाकिस्तान के ऊपर टीम इंडिया भारी पड़ती हुई आई है। अब चलिए जान लेते हैं इस बड़ी मुकाबले के लिए रोहित शर्मा कौन से 11 भूखे शेर को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतारने वाले हैं और बाबर आजम इस मैच में कौन से 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारने वाले हैं। दोनों टीम की प्लेइंग 11 को विस्तार में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 को नजर करें तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, 3 पे विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे ईशान किशन, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे शार्दुल ठाकुर, 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे जसप्रीत बुमराह, 11 नंबर में मोहम्मद शमी या फिर मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर में आएंगे। पिछले मैच में रोहित शर्मा और शुभमन गिल का अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला था। इस मैच में इन दोनों बल्लेबाजों का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिल सकती है। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या पिछले मैच की तरह बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डालें तो इनके ओपनिंग में आपको दिखने वाले हैं फाखर जमान के साथ इमाम उल हक, 3 पे देखेंगे बाबर आजम, 4 पे मोहम्मद रिजवान, 5 पे आगा सलमान, 6 पे इफ्तिकार अहमद, 7 पे सदब खान, 8 पे फहीम अशरफ, 9 पे साइना अफरीदी, 10 पे नसीम शाह और 11 नंबर में हरीश रोब खेलते हुए नजर में आने वाले हैं। दोस्तों ये तो हो गए दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11। हाँ, लेकिन आखिरी मोमेंट में इनके
प्लेइंग 11 में कुछ भी बदलाव होता है उस करंट प्लेइंग 11 की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब चलिए आखिर में इन दोनों टीम के लास्ट 5 मैच की फॉर्म के ऊपर नजर डाल देते हैं। पाकिस्तान की टीम लास्ट के 5 मैच में से बैक टू बैक 500 के 5 मैच में जीत हासिल किए हैं, लेकिन यार टीम इंडिया लास्ट के 5 मैच में से 3 मैच में जीत हासिल किए हैं, 2 मैच में इनको हार झेलना पड़ा है। अब यार बात कर लेते हैं इन दोनों में से इस मैच में कौन सी टीम विन करता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों हमने इस मैच की जितने भी एनालिसिस किए हैं पिच रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे ज्यादातर मैचेस डिपेंड होती है। इस आधार से दोनों टीम के ऊपर से मैच विनर चुने तो हमारे तरफ से इस मैच की जो विनर टीम रहेगी वो रहेगी टीम इंडिया। हमने यार हमारे तरफ से इस मैच की विनर टीम दे चुके हैं, लेकिन आपके मन में क्या राय है, आपके कीमती राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए यार आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैच की वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।